अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। निशांत अपने दोस्तों के साथ होली मनाने गए। करुणा आंटी की तबीयत खराब है और अबीर मुझे मिला नहीं। देखो तैयार हो जाओ, ये होलिका के अंदर तुम्हारा पति देव ही तबका बैठा है। अंबे मां लाश रखना। चलो दीदी देखते हैं तो जीत किसकी होती है, हमारे विश्वास की या मेरे लॉजिक की। तक सब जान गए होंगे कि वंश को होली और होलिका दहन का त्योहार कितना पसंद है। तो एक अच्छी मंगेतर होने के नाते हमने होली पर अपनी सारी रिसर्च की है। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद के साथ आग में बैठ गई थी और वो आग जो उसके लिए वरदान होने वाली थी वही आग उसके लिए अभिशाप भी बन गई और आज यहाँ वही होने वाला है। सच्चाई को मिटाने के लिए जिसने बुराई की वो खुद जाके इस होलिका के ओट में जाके बैठ चुका है। तुम कहना क्या चाहती हो? बंद करो अपने ये सब घटिया खेल। तुम बोल तो ये रही हो, तुम्हारी बातों से हम ये मान लेंगे कि सचमुच इसके अंदर कोई छुपा हुआ है। काफी स्मार्ट है आप मिस्टर तोमर, आपको पता है इस होलिका के अंदर कौन बैठा है? वही इंसान जिसने मुझे अगवा करने के लिए ये सारा स्वांग रचा था और आज हम सबके सामने उसी का चेहरा बेनकाब करने वाले हैं। अगर भस्म होने से बचना चाहते हो तो इसमें से बाहर निकलो। ये कैसी बातें कर रही है सिया? इस घर का कोई भी सदस्य आपका अपहरण क्यों करेगा भला? सिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। तीन, दो और एक। निशांत, तुम होलिका के अंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अपनी ममता से उठिए और देखिए, आपके बेटे के हाथ में हमारा वो 20 करोड़ का हार है। वही 20 करोड़ जो हमें अगवा करने पर इनको मिलते। वैसे ग्रेट आइडिया, फिरौती नहीं तो मेरा नेकलेस ही सही। अनबिलीवेबल। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को किडनैप करवाने की? तुझे दिखाता हूं कौन हूं मैं। अरे भाई को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना था कि एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बनने में देरी नहीं लगती, लेकिन आज देख भी लिया, तोमर होते हुए इतनी गिनोनी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई आपके निशान में? अपना फैमिली ड्रामा ना बंद कीजिए।
सिया सही कह रही है। पुलिस को फोन करो और इसको अभी अरेस्ट करवाओ। देखिए देखिए, हम मानते हैं कि निशांत ने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती है, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। देखिए, हमारी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, जो कुछ भी हमारे लिए निशांत ही है सिया, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया उन्हें बख्श दीजिए। अबीर क्या करे, छोड़िए निशांत को, क्यों इस तरह गुनेगारों की तरह पकड़ रखा है इन्हें, छोड़िए। महाकुम इसलिए क्योंकि यही गुनेगार है। हमें और विधि को किडनैप कराने के पीछे कोई और नहीं बल्कि निशांत बना कई हाथ है। निशांत बेटा, इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत भी कैसे हुई आपके निशांत बना, भूल गए आप? हमारा इतिहास, हमारा रुतबा और हमारा गौरव, इन सब में से किसी का ध्यान नहीं दिया आपने, और जिस परिवार ने हमेशा सही का साथ दिया उसकी परवरिश को आपने गलत साबित कर दिया। आप जानते हैं, आपके भाड़े के गुंडे इस हद तक उतर गए थे कि वो विधि की जान तक लेने की कोशिश कर रहे थे। इनका तो कुछ नहीं पता, लेकिन हम आपको खुद सजा देंगे और आपको पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं अबीर भन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए किया। हमारे लिए, हमें किडनैप करा के हमारी मदद कैसे होती है? आपको किडनैप करने का हमारा कोई प्लान नहीं था, आप पहुंच गए थे वहां पे गलत समय में। हम बदला लेना चाहते थे इस लड़की, इस विधि से, क्योंकि हमसे आपकी बेइज्जती देखी नहीं जा रही थी। ये विधि क्या नहीं किया आपके साथ इसने, कभी आपको सेक्रेटरी बना दिया, आपसे गुलामों जैसा व्यवहार किया, आपको साड़ी पहना के आपके जुलूस निकाला इसने। आप बताइए, एक छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की बेइज्जती देख सकता है क्या? हाँ, हमने इसको किडनैप करवाया था और 20 करोड़ फिरौती के भी मांगे, बताया क्यों? क्योंकि वो पैसे उसके मुंह पे मार के ना हम अपनी हवेली वापस लेना चाहते थे। गुनाह चाहे किसी भी नियत से किया जाए, वो होता तो गुनाह ही है निशांत, और हम आपको इसकी सजा जरूर देंगे। अबीर रुक जाइए, हर चीज की एक हद होती है बेटा। हम मानते हैं कि निशांत ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन ये भी तो देखिए कि वो अपने बड़े भाई, अपने आदर्श से कितना प्यार करते हैं कि वो आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस बात की सजा देंगे आप इन्हें, लेकिन माफी तो अबीर को मांगनी चाहिए ना निशांत से।